गुड़हल बहुत ही हैवी फ्लावरिंग प्लांट होता है फ्रेंड्स, तो मेरे गार्डन में इतने फ्लावर्स खिलते हैं रोज के कि मैं घर में सजाने के लिए भी इसे यूज़ करती हूँ, और सामने आपके रखे हुए हैं, और बहुत सारे कलर भी है मेरे पास। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स मैं शेयर कर रही हूँ कि बिना रूटिंग हार्मोन के हम गुड़हल के प्लांट को 15 डेज में कैसे कटिंग से तैयार कर सकते हैं। तो मैं रिजल्ट भी दिखाऊंगी वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स गुड़हल का प्लांट बहुत ही हैवी फ्लावरिंग प्लांट होता है और बहुत ही कम केयर करनी पड़ती है, बस थोड़ा सा इनको सनलाइट बहुत पसंद है और फर्टिलाइजर और पानी का ध्यान रखना होता है। मैंने ये प्लांट मेरे घर के पीछे एक छोटा सा क्यारी है वही मैंने लगा रखा है। इस प्लांट को केयर बहुत ही कम करती हूँ मैं इस प्लांट की, और पॉट में भी लगा रखा है। तो चलिए इसकी कटिंग लेते हैं। कटिंग हम ऐसे ले सकते हैं फ्रेंड, बस इस बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स कटिंग लेने से पहले कि ऐसी ब्रांच लीजिए जो न्यू ब्रांच निकला हो, और उसमें नोट एरिया से कटिंग कीजिए आप, और 3-4 गांठ हो तो हमारे जो नेचुरल हार्मोन्स होते हैं रूटिंग हार्मोन वो निकल जाता है फ्रेंड्स बहुत ही तेज़ी से, फिर ये प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो भी करता है। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वही शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये वाली ब्रांच मत लीजिए जो मोटी हो और पुरानी हो, एकदम न्यू ब्रांच लीजिए तो इसमें से बहुत ही जल्दी रूट निकल जाएगा। तो देखिए मैंने 2 ब्रांच लिया है, मैंने एक में वर्ड लगा है और एक में नहीं है। तो सबसे पहला काम करना है हमें ये पत्तियों को पूरा हटाना है, बस 1-2 पत्तियां रख सकते हैं, और इस वर्ड को भी हटा दूंगी नहीं तो ये एनर्जी लेता रहेगा इस प्लांट का, और रूट निकलने में थोड़ी दिक्कत भी होगी और फिर निकल नहीं पाता है जल्दी से। तो इस ब्रांच से भी मैं पत्तियां हटा देती हूँ पूरी तरीके से। तो ये देखिए मैंने प्लांट को साफ़ कर दिया है, और ऐसे लेना है फ्रेंड्स ये कटिंग, आपको पता है कि तिरछी कटिंग लेनी होती है, और देखिए इसमें कितने सारे नोट एरिया है। तो मैं 3 नोट एरिया में मिट्टी में सॉइल में दबा दूंगी, और मैं ये डिस्पोजल का यूज़ करती हूँ कटिंग के लिए, बहुत ही जल्दी इसमें रूट निकल जाता है। और ड्रेनेज होल का भी आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स, और सॉइल जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ आपको, नॉर्मल गार्डन सॉइल और रिवर सैंड और फर्टिलाइज़र मिक्स करती हूँ मैं सॉइल में, और ड्रेनेज होल का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए इस ब्रांच को मैं लगा देती हूँ, तो 3 नोट एरिया तक दबा दूँगी, किसी भी नोट एरिया से फिर ये रूट निकल जाएगा। और पानी लगा देती हूँ फ्रेंड्स, तो पानी डाल के मैं 1 हफ्ते तक ऐसी जगह रखूँगी जहाँ इसे धूप ना मिले, और 1 हफ्ते के बाद मैं ब्राइट लाइट में रख सकती हूँ मॉर्निंग की, आधा घंटे की धूप, फिर 1 घंटे की धूप दे सकती हूँ जब तक इसमें रूट ना निकले। तो 15 दिन तक रख देते हैं फ्रेंड्स, और ये देखिए 15 डेज बाद ये है जो मैंने लगा रखा था 2 ब्रांच। तो इसका रिजल्ट देख लेते हैं कि कैसा हुआ है, इसमें रूट्स निकले या नहीं निकले। रूटिंग हार्मोन का यूज़ नहीं किया है आपको पता है, तो डिस्पोजल को ये निकाल के, और इसमें शायद दिख रहा हो रूट, ये देखिए फ्रेंड्स छोटे से हैं, वाइट कलर के रूट दिख रहे हैं हमें। तो हमें सबसे पहला काम करना है इसे पानी में 5 मिनट्स के लिए भिगो के रखते हैं जिससे हमारी सॉइल नरम हो जाए, उसके बाद देखते हैं। तो 5 मिनट्स हो गए फ्रेंड्स, देखते हैं कि रूट्स निकले कि नहीं। रूट्स तो बहुत अच्छे निकल गए फ्रेंड्स, रिजल्ट आपके सामने हैं। तो देखिए रूटिंग हार्मोन का यूज़ नहीं किया, नॉर्मल कटिंग लेके आप प्लांट को लगा सकते हैं फ्रेंड्स, इतने पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो गुड़हल की कहीं से भी कटिंग आपको मिल जाए, छोटी छोटी सी कटिंग ला के आप घर में तैयार कर सकते हैं, बहुत ही कम केयर करनी पड़ती है इस प्लांट की, बस थोड़ी सी सॉइल अच्छी तैयार कीजिए और प्लांट बहुत ही अच्छा हैवी फ्लावरिंग करेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिए, और आप भी कटिंग से प्लांट तैयार कीजिए फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ऐसी वीडियो लेके आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग।